modulus and argument, modulus and argument, और इसको amplitude भी बोलते हैं, amplitude, एक ही नाम है argument और amplitude of a complex number, complex number. Modulus and argument are amplitude of a complex number. एक complex number का modulus क्या होता है, argument क्या होता है और amplitude क्या होता है. Argument और amplitude है तो दोनों के लिए तो formula prove करता हूँ, बहुत simple है. तो सबसे पहले मैं एक argand plane ले लेता हूँ, एक complex plane, छोटी बड़ी axis ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये ले लिया अपन ने कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश ये रियल एक्सिस है, वाई ओ वाई डैश ये इमेजनरी एक्सिस है. ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं मैं, लेट जेड. जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल है, कैपिटल जेड भी ले सकते हैं और स्मॉल जेड भी ले सकते हैं. एक्स प्लस आयोटा वाई, कुछ भी हो सकता है, x plus iota y form का, ये एक complex number है. अब इस complex number को यदि अपने को इस complex plane के ऊपर represent करना है तो कैसे करेंगे अपन? यहाँ से यहाँ तक के x distance आएंगे x axis पे और real part और imaginary part ये y, तो यहाँ पे एक point आ जाएगा अपना, ये कोई point आ गया अपना, इसको मैं p ले लेता हूँ, इसके हो जाएंगे x comma y, where x जो है वो क्या है, इसका रियल पार्ट है, एक्स जो है इसका रियल पार्ट है और वाई जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है. तो अपन इसको पी एम ऐसा हो गया, अगर ना परपेंडिकुलर मिला देते सीधा 90 डिग्री का एंगल, तो ये ओ एम डिस्टेंस जो है आपकी एक्स के इक्वल हो गई और पी एम डिस्टेंस आपकी वाई के इक्वल हो गई, हो गई, ऐसे ही जाएगा आपका P पॉइंट. अब ये जो O से P दिख रहा है, इस O से P को ज्वाइन कर दो, तो ये जो OP डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही, जो ओरिजिन से अपन ने P पॉइंट को ज्वाइन करे, इसी ओरिजिन से P पॉइंट की डिस्टेंस को इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z का मॉडुलस कहते हैं, और इस मॉडुलस को R के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मॉड के साइन के अंदर मॉडुलस आप Z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मॉड का साइन बना दिए दो लाइन और उसके अंदर जेड लिए, मॉडुलस ऑफ जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको और भी स्मॉल आर भी बोल सकते हैं, आर आर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल आर लिखा ये, आर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मॉडुलस ऑफ जेड के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है ना कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, पी एक्स कॉमा वाई जो है पॉइंट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर. तो पी एम इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ पे कोई एंगल बनेगा आपका, इस एंगल को अपन थीटा ले लेते हैं, जीरो से बड़ा और 90 से छोटा एंगल दिख रहा. तो ये जो ओ से पी की जो डिस्टेंस है आपकी, डिस्टेंस ओ पी इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, डिस्टेंस ओ पी इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, डिस्टेंस ओपी जो है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का मॉडुलस कहते हैं. ओपी इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करना है,
मॉडुलस ऑफ जेड, मॉड के अंदर जेड को रख देना है, और मॉडुलस ऑफ जेड भी लिख सकते हो और आर भी लिख सकते हो, दोनों सिंबल है उसके। तो ये ओपी डिस्टेंस आपको निकालना है। डिफाइंड हो गया मॉडुलस, समझ में आ गया कि मॉडुलस क्या है? जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर था अपना, वो पी के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे पी पर। अब इस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस रहेगी, ओरिजिन रहता है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस रहती है ओपी, इसी को इसका मॉडुलस कहते हैं। और इसको मॉड ऑफ जेड के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो यहाँ लिख दिया मैंने, इट इज डिनोटेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड आर आर। अब ये तो पता चल गया अपने को। अब ये अपन निकालेंगे कैसे? अपने को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा ऐसा जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई होता है, और वो बोलेगा कि इसका मॉडुलस निकालो। तो अपन इसका मॉडुलस निकालेंगे कैसे? मॉडुलस अपने को ये ओपी डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए मैं फॉर्मूला प्रूव करता हूँ। तो एन राइट ट्रैंगल दिख रही है आपको, ये एन राइट ट्रैंगल ओ एम पी में आप ओपी डिस्टेंस अपने को निकालना है। ये दो डिस्टेंस अपने को पता है, ओ एम और पी एम। तो पाइथागोरस का थ्योरम लगा दो, 10th क्लास में पाइथागोरस का थ्योरम आपने प्रूव करे थे। एंड राइट ट्रैंगल ओ एम पी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी लिखते हैं उसको। क्या होता है हाइपो का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिखो, या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो। ये वाला अगर थीटा रहेगा तो ये बेस ये परपेंडिकुलर रहेगा, अगर ये वाला एक्यूट एंगल लेते तो ये बेस ये परपेंडिकुलर रहता, 90 के अपोजिट साइड जो रहती है हाइपो रहती है हमेशा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच है आपका ओपी, ओपी स्क्वायर, बेस आपका ओएम, ओएम स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपका पीएम, तो पीएम स्क्वायर। इसमें ओपी की वैल्यू निकालना आपको, अभी निकालते हैं इसको। ओएम को अपन एक्स लिख सकते हैं, देखो ये ओएम डिस्टेंस एक्स के इक्वल है और पीएम डिस्टेंस वाई के इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट ले लो तो ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये ओपी को क्या बोला गया है? इस ओपी को ही मॉडुलस बोला गया है। और इसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड ऑफ जेड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मॉड ऑफ जेड लिख सकते हैं अपन ओपी। तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया बेटा आपका, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z is equal to mod of z. Mod of z is nothing but it is modulus of complex number. Mod of z is equal to under root x square plus y square. बड़ा important result है। इसके through आप modulus निकाल सकते हैं। और करके इस formula को और ऐसा लिख सकते हैं। Mod of z के place पर z की value रख सकते हैं आप। z की value क्या थी अपने पास में? x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है। देखो मॉड के अंदर आपको x प्लस आयोटा वाई कभी आ जाए तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट आई, ये x का जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर कर दो प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो, ये आयोटा छूट जाएगा आपको। देखो ये भी प्रूफ हो गया, z के प्लेस में ये वैल्यू रखते तो मॉड ऑफ x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत काम का फॉर्मूला है, कहीं काम में आएगा ये बहुत। दोनों फॉर्मूले प्रूफ हो गए। और मॉड ऑफ जेड को आप आर भी लिख सकते हैं, इसको और करके मॉड ऑफ जेड के प्लेस पे आर भी लिख सकते हैं। किसी ने आर लिख दिया तो भी ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया प्रूफ। अब यदि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल फॉर्म एक्स प्लस आयोटा वाई या ए प्लस आयोटा भी, उससे कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो और उसको इस फॉर्मूले के अंदर रख दो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंदर, तो एक डिस्टेंस आ जाएगी आपकी ये ओ से पी वाली। इस डिस्टेंस को इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बोलिए। तो मॉडुलस क्लियर हो गया सबको? तीन डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई कभी आ जाए मॉड के अंदर तो मॉड का साइन हटा दो, अंडर रूट का साइन लगा दो, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, जहां पर एक्स जो है उसका रियल पार्ट है और वाई जो है उसका इमेजिनरी पार्ट है। आर्गुमेंट, अब अपने यहाँ दो चीज लिए थे, एक बोले थे मॉडुलस, तो ये ओपी डिस्टेंस तो मॉडुलस हो गई आपकी। अब आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड क्या होता है वो देखिए। नेक्स्ट है अपना आर्गुमेंट, आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड।
ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट या उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट एक ही बात है। तो यही वाले फिगर से देखिए, यही वाला फिगर है देखिए। अब देखिए ये जो ओपी डिस्टेंस थी इसको मॉडुलस बोले। अब ये एक एंगल दिख रहा है आपको थीटा, तो कौन सा एंगल है ये? एक्स ओ पी बोल सकते हैं या एम ओ पी बोल सकते हैं। तो एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू थीटा इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंगल एक्स ओ पी इज इक्वल टू थीटा सपोज कर लिए अपन ने, इज कॉल्ड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होगा उसका आर्गुमेंट या उसका एम्पलीट्यूड जो है ये वाला एंगल होगा, ये थीटा आपको निकालना है। इसको एक्स ओ पी बोल सकते हैं, एम ओ पी भी बोल सकते हैं। ये जो थीटा एंगल बन रहा है आपका ये बेस के साथ में, ओ एक्स के साथ में जो थीटा एंगल बना रहा है ये हाइपोटेनिस वाली साइड, जो मॉडुलस उसका इसके साथ में जो एंगल बना रहा है, इस थीटा को इसका आर्गुमेंट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए आर जी आर्गुमेंट ऑफ जेड और ए आर जी ऑफ जेड, जेड छोटा भी लिख सकते हैं और बड़ा भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड और आर्गुमेंट ऑफ ए आर जी जेड, कोई कोई एम्पलीट्यूड भी लिख देता है उसको एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, और ऐसा भी लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये सिंबल है उसके। और ये है किसके इक्वल? वो थीटा के इक्वल है। आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड मतलब ये एंगल थीटा, इसको एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और इसको अपन किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे? अपन थीटा के थ्रू रिप्रेजेंट। कहीं पे किसी ने ऐसा लिख दिया इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू आपको लेना है। तो अब ये तो पता चल गया अपने को कि ये जो एंगल थीटा है ये आपका एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया रहेगा और आपसे बोला जाएगा कि मॉडुलस निकालो, तो मॉडुलस के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्रूव कर लिए। अब बोलेगा कि इसका आर्गुमेंट भी निकालो, आपको दिया एक नंबर वन प्लस टू आयोटा, बोलेगा इसका आर्गुमेंट निकालो, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला भी मैं ड्राइव करके बता देता हूँ, ठीक है? प्रूफ ऑफ फॉर्मूला, ये ओ एम पी एक राइट एंगल ट्रायंगल, यही वाली ट्रायंगल ले लेते, इसमें अपने को थीटा की वैल्यू निकालना है। तो जब अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन रहेगा तो उसमें दो चीज रहेगी अपने पास में, एक्स भी रहेगा और वाई भी रहेगा, ये रियल पार्ट रहेगा और इमेजिनरी पार्ट रहेगा। तो ये साइड इसकी बेस हो गई और ये परपेंडिकुलर, तो बेस और परपेंडिकुलर किसके अंदर आता है? बेस और परपेंडिकुलर किसके अंदर आता? कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जिसमें बेस भी आता है और परपेंडिकुलर भी आता है? जल्दी बताओ, बताओ। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो टेन थीटा में आता है। आता है टेन थीटा में, कोई साइन बोल रहा कोई कॉस बोल रहा, एक एक नहीं पूछ रहा मैं, दोनों पूछ रहा कि परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो टेन थीटा होता है, ठीक है? तो यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल ओएमपी में मैं टेन थीटा ले लेता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंथ क्लास से फॉर्मूला है, वैल्यू रखो इसके अंदर। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है 90 डिग्री वाली लाइन पीएम और बेस वाली लाइन है ओएम, ये ओएम बेस है, ये ओएम, इनकी वैल्यू रख दो। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पीएम की वैल्यू कितनी है? वाई दिख रहा है ये वाई, और ओएम की वैल्यू एक्स, वाई अपॉन एक्स लिख दो, ये y और x। तो ये तो tan थीटा की वैल्यू, अपने को tan थीटा थोड़ी, अपना आर्गुमेंट क्या है? अपना आर्गुमेंट है थीटा, अपना आर्गुमेंट है थीटा की वैल्यू। तो ये tan को इधर शिफ्ट करेंगे,
तो जब ये टेन की अभी यहाँ पावर पॉजिटिव है, जब इधर शिफ्ट होता है तो ये इन्वर्स हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जब इधर से उधर शिफ्ट होता है तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन और इसकी पावर वन लगाएंगे माइनस वन, और इसको टेन रेस टू द पावर माइनस वन नहीं पढ़ा जाता, इसको टेन इनवर्स पढ़ा जाता है। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर 12th क्लास में आएगा आपको, तब इसके बारे में डिटेल में बताया। अभी आप इतना याद रखिए इस टेन को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो टेन की पावर यहाँ प्लस वन थी तो इधर आके माइनस डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वन पावर है उसको ऊपर लिखेंगे तो ऐसा नहीं करते डायरेक्ट, उसको यहाँ प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाता है। तो टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये वाई अपॉन एक्स को एज इट इज वैसे ही रहने दो। ये है भैया आपका आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड कहते हैं इसको, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे रियल पार्ट मिल जाएगा, इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और ये टेन इनवर्स है तो यहाँ पे टेन की वैल्यू रखेंगे जो भी हो। जैसे वन आया यहाँ पे वाई अपॉन एक्स को सॉल्व करने के बाद में वन आया, वाई की वैल्यू भी वन, एक्स की वैल्यू भी वन, तो ये वन अपॉन वन या वन आ गया। अब वन टेन में किसकी वैल्यू होती है, 45 की होती है, तो यहाँ टेन 45 लिख देंगे, 10 पाई बाई 4 या 10 45 और बाहर आपका tan इनवर्स ये tan इनवर्स ये 10 एडजस्ट हो जाए, कैंसिल नहीं होता, आपस में एडजस्ट होके पाई बाई 4 आपका आंसर है। यहाँ 1 आ रहा है, ये तो आपकी क्वांटिटी आएगी, तब इससे ये 1 आ रहा है, तो 1 को tan 45 लिख दो आप, तो 45 डिग्री में, और आप 10 पाई बाई 4 लिख दो, तो ये आपके हाथ में रहेगा कि आपको कहने एंगल लाना है, एंगल आपको लिखना है वहां, अब ऑलरेडी वहां ही आएगा, आप जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, चॉइस है आपके पास। जैसे वन आ गए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद y अपॉन x की वैल्यू 1 आ गई, तो अब ये tan इनवर्स है, यहाँ tan की वैल्यू रखना, 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, तो अब tan 45 को आप या तो tan पाई बाई 4 लिख लो या फिर tan 45, इससे कोई मतलब नहीं, आप कायम लिख रहे किसी में भी आए, ठीक है। ये फॉर्मूला मेमोराइज कर लो, कितने फॉर्मूले प्रूव कर लिए अपन ने, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये मॉडुलस है, या एक ये वाला याद रखना कहीं पे ये यूज होगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू वही रहेगा, मैंने जेड की वैल्यू रख दिया यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, कभी कोई आर के इक्वल भी बोल सकता है। और आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वाई को ऊपर रखना है एक्स को नीचे रखना है। अब यहाँ से जो थीटा की वैल्यू निकलेगी, जो थीटा की वैल्यू निकलेगी उस थीटा की वैल्यू से अपने को एक प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, इसकी एक टर्म और आखिरी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल स्कूल वाले प्रिंसिपल की स्पेलिंग है, ये प्रिंसिपल बोले तो मेन जो होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, प्रिंसिपल मतलब मुख्य वैल्यू, मेन वैल्यू, तो द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा बोले तो आर्गुमेंट, द वैल्यू ऑफ थीटा लाइज बिटवीन ग्रेटर देन माइनस 180 डिग्री और लेस देन, थीटा इज ग्रेटर देन माइनस 180 डिग्री एंड लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप रेडियन में, ये माइनस 180, थीटा इज ग्रेटर देन माइनस 180 डिग्री लेस देन आर इक्वल टू 180, एक रेडियन में लिखा और एक डिग्री, कोई कभी यूज कर सकते हैं, आपको याद करना है। तो वैल्यू ऑफ थीटा इस लिमिट के अंदर रहना चाहिए, यहाँ पे क्या है माइनस 180 से बड़ी वैल्यू लेना है, माइनस 180 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, माइनस 179, माइनस 178, माइनस 175, ये बड़ी वैल्यू है, माइनस 170, माइनस 150, माइनस 90, ये सब उससे बड़ी वैल्यू, बड़ी लेना है, इक्वल नहीं लेना। और लेस देन आर इक्वल टू 180 मतलब आप 180 ले सकते हैं और उससे लेस वैल्यू, 180 ले सकते हैं, 175 ले सकते हैं, 150 ले सकते हैं, 120 ले सकते हैं, 90 ले सकते हैं, ऐसा वही मतलब यहाँ भी है, थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई और लेस देन आर इक्वल टू पाई, less than or equal to pi. So the value of theta lies between ये दो लिखा है मैंने, is called principal value of argument. ये है principal value of argument. इसको याद कर लो। अब जब अपन इससे क्वेश्चन करेंगे तो जो थीटा की वैल्यू निकलेगी वो इसके बीच में से लेना है आप,
वो क्वेश्चन में बताऊंगा मैं कि कैसे बीच में से वाली आती है। चलो देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एक्सरसाइजेस 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका मॉडुलस और आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है। तो मॉडुलस के लिए कल अपने फॉर्मूला प्रूव किए थे, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो मॉड ऑफ z और मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जहां पर x क्या है उसका रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का और y क्या है उसका इमेजिनरी पार्ट है। और आर्गुमेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। तो दो चीज अपने को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट 3। तो z को अपन x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं, आयोटा y -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। अब देखो इधर भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या होता है कि बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, तो रियल पार्ट की इक्वल रियल रख दो और इमेजिनरी पार्ट की इक्वल इमेजिनरी रख दो, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी से x इज इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको रियल पार्ट -1 एंड y इज इक्वल टू -√3 हो जाएगा। देखना ये y है, i तो हट जाएगा आपका, तो y इज इक्वल टू -√3 ऐसा x और y निकाले। अब इसका मॉडुलस निकालना है अपने को, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में कल प्रूव करें, सेंस मॉडुलस मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू रख दो इसमें, एक्स की वैल्यू है -1 स्क्वायर और वाई की वैल्यू है -√3 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 = 4 और 4 का स्क्वायर √2, तो इसका मॉडुलस आ गया भैया 2। 2 यूनिट्स भी लिख सकते हैं, 2 काफी है मॉडुलस उसका, वो जो लेंथ ओरिजिन से P पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी OP वो 2 के इक्वल है, 2 यूनिट्स। अब इसका आर्गुमेंट लिखना है अपने को, एंड आर्गुमेंट आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट tan इनवर्स y अपॉन x है भाई, ये फॉर्मूला ग्रुप किए थे अपन, इसमें वैल्यू रख दो, तो ये tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है -√3 अपॉन x की वैल्यू कितनी है -1, दोनों का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये tan इनवर्स √3/1 या √3। अब देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी, अब अपने को यहां पर tan की वैल्यू रखना है, लेकिन tan की वैल्यू यहां पर √3 दिख रहा है आपको, तो tan की वैल्यू √3 किस में होती है, किसकी वैल्यू होती है √3 60 डिग्री की होती है, तो अब अगर आपने यहां पर tan 60 डिग्री लिख दिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। हमको क्या करना है कि यहां पर इसके वो वैल्यू लिखना है जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका आता है, मतलब यहाँ पे आप वैल्यू तो वही लिखेंगे टेन की जो उसका आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू जो रहती है वो लिखे, प्रिंसिपल वैल्यू क्या, थीटा इज ग्रेटर देन -180 और लेस देन आर इक्वल टू 180, तो 60 डिग्री आपने बोले तो अपन इसको टेन 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है √3 को, तो टेन इनवर्स से टेन एडजस्ट हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 60 और ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, समझ में आ रही बात, अगर आपने इस √3 को डायरेक्ट tan 60 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सही वैल्यू आपको निकालने के लिए आपको एक छोटा सा स्केच बनाना पड़ेगा और उसमें ये देखना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर अपना आ कहाँ पे रहा है, फिर वो जिस क्वाड्रेंट में या जहां पे आ रहा है -180 से ग्रेटर और 180 से लेस, वहां की वैल्यू आपको लेना पड़ेगा। तो देखिए अब मैं यहाँ छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ जहां पे अपना कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होगा, ये क्वाड्रेंट जैसा बनाते हैं मैंने। अब देखो इसमें वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 करीब करीब यहाँ आएगा, आएगा -1,
माइनस वन करीब मान लीजिए यहाँ आ गया, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू माइनस रूट थ्री, और रूट थ्री की वैल्यू कितनी थी 1.732, 1.73 होती माइनस में, तो वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ आएगा, यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे आएगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो अब यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल आएगा, वो वाला एंगल आपको देखना है। हमारी पास 60 डिग्री तो यहाँ रहता, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आता इस क्वाड्रेंट में तो 60 लिखते, अगर ऐसा लिख देंगे तो गड़बड़, तो अपना एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने कैसे निकाला, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखा, वाई की वैल्यू माइनस रूट थ्री रखा, तो यहाँ है, यहाँ कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे है, देखो जब अपन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाते तो पॉजिटिव एंगल बनता है, तो ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री है ना ऐसा। और जब अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हैं तो नेगेटिव एंगल बनता है, ये -90 डिग्री, और यहाँ आ जाएगा आपका -180 डिग्री, आएगा -180, -270 ऐसा। तो अब अपने पास जो थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, आर्गुमेंट की जो प्रिंसिपल वैल्यू है, वो क्या है, -180 से बड़ी और 180 से छोटी या उसके इक्वल, ये देखो ये वाली रेंज से आपको वैल्यू लेना है, ये थीटा इज ग्रेटर देन -180 और लेस देन 180। तो देखो 180 से बड़ी वैल्यू मतलब आप इस डायरेक्शन में आ सकते हैं, ये -180 से बड़ी वैल्यू है सब, लेकिन आप इस पे नहीं जा सकते 180 पे, इधर से आपका -180 से आपको बड़ी वैल्यू लेना है, -180 नहीं लेना है, और इधर से आप चलेंगे तो 180 के इक्वल और 180 से छोटी, ये सारी वैल्यू आ जाएगी, 180 भी आ जाएगा और इससे छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो आपका तो नंबर यहाँ पे है ही नहीं, इधर तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ ही नहीं रहा आपका, तो आपको इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पे एंगल आएगा, दिख रहा ना आपको यहाँ पे एंगल। तो ये एंगल क्या है, ये एंगल 180 से बड़ा है, -180 से बड़ा है, -180 से बड़ा होगा, नेगेटिव क्वांटिटी जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती थी, -180 है, -180 से बड़ा -90 है, -170 इससे बड़ा है, फिर -160 भी इससे बड़ा है, -150 भी इससे बड़ा है, -90 सब बड़े ऐसे। तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है ये -180 से बड़ी है, और -180 से बड़ी अपन वैल्यू ले सकते। तो अब -180 से ये वैल्यू कितनी बड़ी होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, ये टेन इनवर्स को ऐसे ही रहन दो, बाहर वाले को, यहाँ अंदर ब्रैकेट लगाता हूँ टेन। अब ये वैल्यू किससे बड़ी दिख रही है आपको, यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है -180 से, तो -180 को पाई लिख दिया मैंने, -पाई, -180 से बड़ी। अब कितनी बड़ी दिख रही है, तो रूट थ्री किसमें वैल्यू आती है, टेन की वैल्यू किसकी आती है 60 डिग्री की, तो पाई बाई थ्री ऐसा लिख लो आप। तो ये जो भी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपकी -180 से बड़ी होगी, 60 डिग्री की वैल्यू दिखती रूट थ्री, तो मैंने -180 में प्लस कर दिया पाई बाई थ्री, क्योंकि उससे बड़ी की बात हो रही है, उससे बड़ी वैल्यू है -180, इसलिए प्लस कर दिया, छोटी रहे तो माइनस कर दे, तो ये पाई बाई थ्री इसमें प्लस कर दी, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 180 में 60 माइनस करें तो -120 आएगा। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, ये टेन इनवर्स और ये टेन माइनस 2 पाई बाई, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो आप इसको चाहो तो, रेडियन में आ जाएगा, -3 पाई प्लस पाई ऐसा हो गया। इसको और सॉल्व कर दिए तो टेन इनवर्स से टेन हटा दूंगा मैं भी, ये टेन और 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। अब ये टेन इनवर्स से टेन हटा दो तो -2 पाई बाई 3 आया, -2 पाई बाई 3 का मतलब क्या है, -120 डिग्री, 3 से डिवाइड करो पाई को 60 टू जा 120। देखो ये वाला एंगल -120 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, -120 देखो इधर से आया, 0 -10 -90 -100 -120, तो -120 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो -120 -180 से बड़ा भी है, तो ये -2 पाई बाई 3 आ गया, टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो ये करेक्ट वैल्यू आई इसकी -120 डिग्री, और अगर आप डायरेक्ट यहाँ कैंसिल करने के बाद रूट थ्री की रख देते तो आपका आंसर 60 आ जाता, जो गलत हो जाता। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जब भी आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको पहले एक ऐसा छोटा सा डायग्राम बना लेना है, डायग्राम बनाने में एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू रिप्रेजेंट करके देख लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे आ रहा है, और जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है फिर ये वाली जो अपनी लिमिट है -180 से बड़ी, 180 से छोटी, और इसके अकॉर्डिंग देख लो आप। तो अपन इधर से तो जा ही नहीं सकते थे क्योंकि वैल्यू यहीं तक 180 तक आ सकते थे, इधर बाहर आ ही नहीं सकते थे अपन, इसलिए अपने को इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये यहाँ पे आएंगे अपन।
अब ये वाला जो एंगल दिख रहा है ये माइनस 180 से बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना माइनस 180 से बड़ा। तो अब इसको माइनस 180 से मैंने क्या लिखा, माइनस 180 कितना बड़ा है उसके लिए आप वैल्यू देख लो, 3 पॉजिटिव वैल्यू अपने को याद है, 90 तक की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती थी, रूट 3 60 डिग्री की वैल्यू होती, तो माइनस 180 में 60 प्लस कर देना है आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 120 डिग्री आया। ये 10 से 10 काटना नहीं है, कैंसिल नहीं करना है, वो एडजस्ट हो जाएगा, तो माइनस 2 पाई बाई 3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस 2 पाई बाई 3। इसका मतलब है कि ये माइनस 120 डिग्री भी ले सकते हैं आप, ये आंसर हो गया आपका, इतना उसका आर्गुमेंट होगा, ये आर्गुमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू ही आपको लिखना है। तो देखो माइनस 120 में और 60 में कितना डिफरेंस है, 60 लिखते हैं आप तो गलत हो जाता है। मैं आंसर दिखाता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मॉडुलस अपना 2 आया और ये माइनस 2 पाई बाई 3। तो जब आप डायग्राम बना लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का तो फिर वो गलत हो ही नहीं सकता आपसे, वो सही होगा आपसे, उस लिमिट के अंदर अपने को देख लेना है कि उस लिमिट के अंदर वो कहाँ पे आ रहा है। और बताते हैं एक क्वेश्चन, तो ये क्लियर हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, ढंग से नहीं लिखना है। जेड इज इक्वल टू माइनस रूट 3 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले z को लिख लो, x प्लस आयोटा y माइनस रूट 3 प्लस आयोटा, अपने को मॉडुलस में निकालना और आर्गुमेंट में निकालना। तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स से हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 एंड y इज इक्वल टू i का कोफिशिएंट 1 प्लस 1। सिंस मॉडुलस मॉडुलस मॉड ऑफ z इज इक्वल टू, फॉर्मूला अपने पास क्या, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रख दो इसमें वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है माइनस रूट 3, माइनस रूट 3 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है 1 स्क्वायर, माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा, रूट 3 स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर 1, 1 3 प्लस 1 4 और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2। फिर से भैया मॉडुलस तो आपका 2 ही आ गया, अब उसका आर्गुमेंट निकालना है। एंड आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, टैन इनवर्स ये ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसा, वाई की वैल्यू देखो कितनी है तो 1 और एक्स की वैल्यू माइनस रूट 3। आपको पता है कि अपन डिनोमिनेटर को कभी नेगेटिव नहीं रखते, माइनस साइन को ऊपर लगा दो, ऊपर नीचे माइनस वन का इंटू ना करके डायरेक्ट माइनस साइन को ऊपर लगा देते, माइनस वन अपॉन रूट 3। तो अभी ये माइनस वन अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको, आपको एक डायग्राम बनाना है और डायग्राम में देखना है कि अपना कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे आ रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपन वैल्यू लेंगे। छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ मैं ऐसे ही रफ अपने रेफरेंस के लिए, एक्स की वैल्यू कहाँ भैया, एक्स माइनस रूट 3, तो माइनस रूट 3 यहाँ आ जाएगा करीब करीब, माइनस 1.73 सपोज यहाँ आ गया, और y की वैल्यू कितनी है 1 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है आपका, तो ये यहाँ आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया आपका। तो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे अपन, माइनस 180 से ग्रेटर और लेस देन आर इक्वल टू 180, तो अपन यहाँ से जा सकते हैं एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाएंगे ऐसा, ये एंगल मिलेगा अपने को, यहाँ पे आ जाएगा, ये 180 से छोटा ही आ रहा है ना, 180 से छोटा, 90 से बड़ा 180 से छोटा आ रहा, 180 से छोटा एंगल आ रहा तो अपना लिमिट के अंदर है वो, ये देखो थीटा इज ग्रेटर देन माइनस 180 और लेस देन आर इक्वल टू 180। अब आप बोलेंगे सर अपन इधर की डायरेक्शन से क्यों नहीं गए इसमें, इधर की डायरेक्शन से अपन जा ही नहीं सकते, देखो यहाँ से चले अपन क्लॉक वाइज डायरेक्शन, यहाँ आए आप यहीं पे आ सकते माइनस 180, इससे आगे नहीं जा सकते, माइनस 180 से बड़ी वैल्यू चाहिए माइनस 180 के इक्वल, तो इधर से अपन तो उधर जा ही नहीं सकते, तो अपने को इधर से जाना पड़े, इधर से गए तो यहाँ तक आ गए। अब ये वाली वैल्यू अपने को निकालना है कि ये थीटा कितना है, तो थीटा दिख रहा है आपको 90 से बड़ा 180 से छोटा, मतलब ये 190 से बड़ा और 180 से छोटा कुछ आ जाएगा, देखो कितना आता है, इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, टेन इनवर्स ये टेन, अब यहां देखो 180 से छोटा दिख रहा
अपन 90 प्लस थीटा भी ले सकते हैं और 180 माइनस थीटा भी ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी तो मैं 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा को प्रेफर करूंगा। क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा में चेंज करना पड़ता है, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा में चेंज नहीं करना पड़ता। तो मैं इसको लेता हूँ 180 माइनस थीटा। देखो 180 से कम है ये, 180 यहाँ पे इससे कम है, तो 180 को लिखा मैंने पाई। आप 180 से कम है, कम के लिए माइनस का साइन। आप कितना कम है ये देख लो, ये 1/√3 पॉजिटिव वैल्यू किसकी होती है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 30 डिग्री माइनस कर दो, बस पाई बाई 6 को माइनस कर दो, हो गया। अब देखो 180 माइनस थीटा, 30 इसमें से माइनस कर देगा, 180 में से 30 माइनस कर दो, 150 डिग्री आएगा। देखो 150 डिग्री का एंगल भी दिख रहा है आपको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 150 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ से एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, जो थीटा एंगल था ये 150 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया आपका, अभी टेन इनवर्स से टेन को हटा सकते हैं, अभी बाद में भी हटाएंगे, अभी तो टेन इसको सॉल्व कर लो, सिक्स एलसीएम ले लो, ये सिक्स पाई माइनस पाई, ये टेन अभी हटा देते हैं अपन उसको, टेन को ये टेन, सिक्स पाई माइनस पाई फाइव पाई हो जाएगा, फाइव पाई बाई सिक्स, 5 पाई बाई 6 का मतलब 150 डिग्री, 6 से 180 को डिवाइड करो 30, 30 इंटू 5 करेंगे तो 3 5 से 15 150 आ जाएगा। 10 इनवर्स से 10 को हटा दो तो 5 पाई बाई 6, पहले भी हटा सकते थे, 5 पाई बाई 6 का मतलब होता है 150 डिग्री, और 150 डिग्री बोल सकते हैं आप इसको, देख लो ये एंगल 150 डिग्री का है, 90 से बड़ा 180 से छोटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 150 डिग्री, आता ना 180 में से कम है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए माइनस 1/√3 आ जाएगा। ऐसे निकालना आपको आर्गुमेंट, ये उस लिमिट के अंदर आके देख लो 150 को, आप माइनस 180 से बड़ा है और 180 से छोटा है या उसके इक्वल इस लिमिट के अंदर आ रहा है, ये रेडियन में लिखा हुआ है, 5 पाई बाई 6 का मतलब आंसर रेडियन में दिए हुए इसलिए रेडियन में निकाल रहा है। देख लेते सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये रहा 5 पाई बाई 6, 2 उसका मॉडुलस आ गया और 5 पाई बाई 6 उसका आर्गुमेंट आ गया, उसका एम्पलीट्यूड आ गया 5 पाई बाय 6। अब ये कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3-8 इन पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म बेटा आपके कोर्स में से हट गया है, मैंने तो एक फार्मूला प्रूव करके बताता था, मैं उससे कर देता था। चलिए तो ये आपके कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्स 3-8 इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में था ये थर्ड क्वेश्चन, फोर क्वेश्चन, फाइव क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन, एट क्वेश्चन, छोड़ो उसको।